हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं लेट उठा था। सुबह वही 8 साढ़े 8 बजे करीब उठा था, और उसके बाद से फिर दादी आई थी हमारी, तो उनके साथ थोड़ी देर रहा, तो उसी में लेट हो गया। और एक दिक्कत और हो गया आज कि मेरे पापा ने कुछ दिन पहले फ़ोन ख़रीदा था सैमसंग का, उससे पहले एक MI का फ़ोन चला रहे थे, MI 7A का। तो वो सेट जो है वो पता नहीं क्या हुआ, रात से मैं कल यूज़ कर रहा था, और ये 9-10 बजे के बाद से उसमें पता नहीं क्या हुआ कि टच उसका काम करना बंद कर दिया। तो मैंने अभी वही 1-1.5 घंटे पहले नहाया हूँ, उसके बाद से जा कर के वो दे के आया हूँ। और अभी मम्मी और मेरी सिस्टर गए हैं के लिए, और चेंज भी करना था उनको कुछ। सोचा था आज मेरे पास गिटार रखा है, तो आज मैं गिटार थोड़ा प्ले करूँगा, बहुत टाइम हो गया यूज़ नहीं किया मैंने उसको, तो मुझे जाना पड़ गया। तो अभी हम लोग खाली हैं, तो सोच अंडे बनाते हैं इस समय। तो कोई मम्मी आ मम्मी से बोला था कि हम अंडे खा ले, तो मम्मी ने बोला चलो खा सकते हैं। मैंने कहा अभी आप चले वहाँ पे, फिर भी मैंने अभी तक आपको अपनी दुकान भी नहीं दिखाई है, तो मैं सोचा आज कहीं गया नहीं हूँ, सैटरडे का दिन है, आज ब्लॉग भी अपलोड करना है, तो आज मैं आपको अपना शॉप दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी है, ये आप देख सकते हैं जो है। और ये इधर का सीन है, ये अभी डेयरी मिल्क वाला अभी जल्दी में हम लोग यहाँ आया है, हो गया होगा एक महीना हो गया होगा आए हुए। जैसा कि आपसे बता रहा था कि मेरी सिस्टर को निकाल दिया था, तो उसके लिए वो नाराज़ थी और दिनों से, कहीं मैं कल पूरा दिन नाराज़ ही कह रही थी कि स्कूल में सर से लड़ाई करेगी। समझाया उसको बहुत ज़्यादा कि ये सब छोटी मोटी चीज़ों में क्या लड़ाई करना है, वो सर है निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलती किया होगा तुमने इसलिए निकाल दिया सर ने, नहीं समझ रही थी। तो कल गई और फीस कुछ जमा करके गई थी, 200 रुपये उसकी फ़ीस थी पार्टिसिपेट करने की, वो 200 रुपये घर लेके आ गई थी, मम्मी को दे दिया उन्होंने। अभी जिद कर रही थी, उनका बर्थडे भी आ रहा है 9 तारीख को, उनका बर्थडे 8 नवंबर को है, तो अभी जिद कर रही थी कपड़ा लेना मेरे को। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, और दिवाली भी है तो उसके भी कपड़े ले लेंगे, उसके लिए दोनों लोग गई हैं अभी कपड़े लेने। और अभी अब जब दोनों लोग चलेंगे तो मैं अकेला बैठा हूँ दुकान में, पापा भी नहीं, पापा हमारे थोड़ा बाहर गए काम से। टाइम हो गया है जिम जाने का, 5 बजे जाना होता है, और अभी 4:13 हो गया, भूख लग रहा था तो मैंने अभी अंडे थोड़े 2 अंडे फ्राई किए और खा लिया। अभी जिम जाते हैं, फिर आपसे जिम जाने के बाद आते हैं तो मिलते हैं, और फिर सिस्टी का रिएक्शन देखेंगे कपड़े लाने के बाद, क्या कैसे कपड़े लाए हैं मम्मी ने और सिस्टर ने। चलो बाय। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं जिम करने के बाद, और ये हमारी मम्मी है, इनको हो रहा था कमर में कल से दर्द, इनको चिक चढ़ गई थी, और इनको कल हमने दवाई ला के दिया, लेकिन खाने के बाद फिर शुरू हो गई काम करने के लिए, बोला कि आराम कर ले, लेकिन ये आराम नहीं कर रही है, शुरू हो गई है काम करने के लिए। सब्जी बना रही है, क्या बना रही है इसे? वैसे आज मैं तहरी बना रही हूँ, तहरी तहरी है ना, वैसे सोयाबीन कर रही है। हाँ चलो जा रहे हैं थोड़ा ऊपर, ठीक है बस हो गया तुम्हारा। चलो गाइस चलते हैं ऊपर, सिस्टर है अभी राधा कृष्ण देख रही है, बेड सही कर लो सृष्टि, राधा कृष्ण मुंह ना छिपा, कोई इतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है मारोगी क्या? चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोग को इज्जत नहीं है। अभी अपने अड्डे पे आ चुके हैं, अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर अपने रूम पे, और नीचे से मैं पर्क ले आया था, तो अभी खाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। उसके बाद से आज मम्मी तहरी बना रही थी, तहरी खा के फिर थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे और सो जाएंगे।
अपनी बिरयानी बन चुकी है, बिरयानी नहीं तहरी बन चुकी है और मम्मी ने बुला लिया है, तो चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ अरे वो सिंचर सामान सामान लाना था। रुको नीचे रख दे, कुछ नहीं घी डाल दी था मक्खन। पांच वाला दस वाला दस वाला ठीक है। कौन खाए तो ठीक है ना। मेरे बेड के बड़े पिता है हराम। आओ निकालो, हम भी निकाल रहे हैं। आओ जीन्स ना नहीं तो नहीं। मोटी खाना ले जा रही। कभी सॉस नहीं खाता, चलो सॉस ले ठीक है। खाओगी? हम खाएंगे। खाना खाने के बाद मैं सामान लेने चला गया था तो वीडियो नहीं बना पाया, और अभी टाइम 10 मतलब 11 बजने वाला है, तो वीडियो को यहीं एंड कर, वीडियो अपलोड हो गई है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।